जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने एनआईसी कक्ष में जल जीवन मिशन कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में विद्युत विभाग ने पंपिंग स्टेशन पर पानी को पंप करने में बढ़ती जा रही ढिलाई पर विद्युत श्रीनगर अधिशासी अभियंता पौड़ी और कोटद्वार के वेतन रोकने के निर्देश दिए। वहीं द्वारिखाल क्षेत्र में कम प्रगति पर संबंधित उप जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी का स्पष्टीकरण तलब किया। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को कलजीखाल और पैडुल क्षेत्र में जल जीवन मिशन कार्यों में हो रहे विवादों का निस्तारण कर 2 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अन्य क्षेत्रों में अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि जिन क्षेत्रों में कार्यों को लेकर समस्या हो रही है उसकी सूचना तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे वहाँ समस्या का समाधान करते हुए कार्यों की आगे बढ़ाया जा सकेगा। पौड़ी से मुकेश बचेती की रिपोर्ट। जल जीवन मिशन में हमें हर घर जल के पूरे प्रोजेक्ट को जल्दी ख़त्म करना है। उस संबंध में दिसंबर या जनवरी तक हमें सारे टास्क कंप्लीट करने, तो इसमें हमारी लगभग 566 ऑनगोइंग स्कीम्स हैं और इन्हीं ऑनगोइंग स्कीम्स को कंप्लीट कराए जाने या FHTC कनेक्शन जो रिमेनिंग हमारे बचे हैं अभी, जो डिस्ट्रिक्ट की प्रोग्रेस 96% अबव है, इसी तरीके से कुछ सर्टिफिकेट्स जो हर घर जल सर्टिफिकेट वो दिए जाने हैं, तो इन सारे एस्पेक्ट्स को लेकर के एक डिटेल मीटिंग की गई और उसमें डिफरेंट डायरेक्शंस दिए गए। डिस्प्यूटेड स्कीम्स को जल्दी से जल्दी उनका समाधान निकाले जाने के लिए भी निर्देशित किया गया। कुछ अधिकारियों को फाइनेंशियल प्रोग्रेस जो स्लो है और फिजिकल प्रोग्रेस ज़्यादा है, उनको सख्त चेतावनी यही दी गई है कि शीघ्रातिशीघ्र उनके भुगतान किए जाएँ और अगले सप्ताह के रिव्यू में इसको देखा जाएगा। अगर प्रोग्रेस नहीं होती तो अप्रोप्रिएट